नमस्ते। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। आप अपना मूल्यवान समय निकालकर मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आशा करती हूँ आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा और आप व्लॉग पसंद करेंगे। इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपने जीवन शैली के कुछ पल शेयर कर रही हूँ। हम लोग वेनसडे को शाम बिताने लेक पर आए थे और यहाँ बच्चों के खेलने की बहुत सारी चीज़ें थीं। थोड़ी देर खेलने के बाद यहाँ मैं डिनर साथ लेकर आई थी और अब वही निकाल रही हूँ। हवा बहुत चल रही थी तो ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई। डिनर के बाद हम लोग ने लेक पर थोड़ी चहलकदमी की और फिर घर आ गए, तो कुछ ऐसी रही हमारी शाम। अगले दिन बेटी का स्कूल था तो वहीं आए हैं। स्कूल से आने के बाद जो ऑनलाइन टॉय हमने मंगाया था वो आ गया है और उसी की अनपैकिंग चल रही है। तो ये थे कुछ दोपहर के हमारे पल। और अब हो चुकी है शाम, डिनर की तैयारी चालू हो गई है। आज डिनर में मैं दलिया बना रही हूँ। उसे थोड़ा सा मैं रोस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा घी डाल करके। और ये जो पीली मूंग की दाल है इसे मैंने सोक कर दिया था आधे घंटे पहले ही, तो इसे भी मैं इसमें डाल दूँगी जैसे ही दलिया रोस्ट हो जाएगा। दलिया रोस्ट हो चुका है तो अब मैंने इसमें दाल डाल दी है, थोड़ा सा पानी डाला है और नमक। आज का वेदर काफ़ी गर्म था और बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी। और ये हैं कुछ पौधे जो हमने ग्लासेस में रखकर उगाए हैं। मुझे गार्डनिंग का बिल्कुल शौक नहीं है, पर सोचा खिड़की के पास धूप अच्छी आती है तो क्यों ना ये नई चीज़ भी ट्राई की जाए। सुबह के लंच से कुछ राजमा, चावल और सब्ज़ी बचे हुए हैं, उन्हें भी मैंने निकाल लिया है और दलिया भी बन चुकी है। पापड़ भी सेक लिया है और दही भी ले लिया है, तो चलिए अब डिनर भी सर्व कर लेती हूँ। खाना वगैरह हो गया है और बाहर कुछ चहलकदमी करने के लिए आए हुए हैं। शाम का टाइम और हम लोग आए हैं यहाँ पर वॉक करने के लिए। टाइम हो रहा है शाम की 7:30-8 और देखिए कितना उछाला है अभी भी यहाँ पर। और व्लॉग अभी तक आपने देखा है, एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। घर आने के पहले कुछ वक्त बिल्डिंग के पैटियो में गुजारने का सोचा और पैटियो के पास ही जिम है तो यहाँ जिमिंग चल रही है। तो कुछ इस तरह रहा हमारा दिन। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग। फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए लाइफ को एंजॉय करते रहिए। नमस्ते।